खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं टोहाना के विधायक सुभाष भराला ने कहा है कि वर्तमान हरियाणा सरकार ने बिजली क्षेत्र में सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच के चलते एक ओर जहां बिजली निगम हजारों करोड़ रुपए के घाटे से उभरा है, वहीं लोगों को भी पहले से लगभग आधे दामों पर बिजली उपलब्ध कराई गई है। वो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा आयोजित जन सुनवाई एवं समस्या समाधान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि अक्टूबर 2014 में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार ने शपथ ली थी, तब बिजली निगम बर्बादी की कगार पर था। प्रदेश सरकार ने एक संकल्प के साथ इस निगम को कायाकल्प करने का निर्णय लिया और अनेक स्तर पर बिजली निगम में आमूलचूल परिवर्तन किए। महारा गांव जगमग गांव महत्वाकांक्षी योजना के फलस्वरूप आज प्रदेश के लगभग 4000 गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति मिल रही है। केएनएन मीडिया के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट। आज भी ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, जन सुनवाई एवं समस्या समाधान का कार्यक्रम। इसमें हमारे पूरे क्षेत्र के नहीं, पूरे जिले भर के, इसमें जिनकी जो बिजली विभाग से संबंधित कोई भी समस्या है उसका समाधान करवाने के लिए यहाँ आए हैं लोग। और आज के इस कार्यक्रम में बिजली विभाग के छोटे से कर्मचारी से लेकर के और चीफ इंजीनियर तक यहाँ उपस्थित हैं। जो भी जन आता है, चाहे उसकी इंडिविजुअल समस्या है यानी कि व्यक्तिगत समस्या है या कोई सामूहिक समस्या है किसी प्रकार की, कहीं पर बिजली की तारें कहीं ढीली हैं, कहीं पर कोई ट्रांसफार्मर कोई नीचा है या कहीं कोई पोल को बदलने की बात है, ऐसी समस्या से लेकर के और व्यक्तिगत समस्याओं में किसी का कनेक्शन टाइम पे नहीं मिला, किसी के बिजली के बिल में कहीं कोई समस्या है, ऐसी सब समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ पर पूरा विभाग, जैसे मैंने बताया, उपस्थित है। और बड़ी संख्या में शहर के भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, व्यक्तिगत समस्याएं लेकर के भी आए हैं और ग्रामीण क्षेत्र से सरपंच से लेकर के मेंबर पंचायत और अन्य चुने हुए प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हैं ताकि आज के इस कार्यक्रम में अपनी अपनी समस्याओं का समाधान बिजली विभाग से संबंधित जो भी है वो करवा करके जा सके। प्रदेश में पिछले समय में कितने गांवों को जगमग के तहत 24 घंटे बिजली दी गई और आगे की क्या योजना है? इसमें अभी तक लगभग 3800 के आसपास गांव जगमग योजना के तहत उनमें 24 घंटे बिजली देने का काम पूरा हो चुका है। बाकी के गांव में जो बचे हुए हैं उनको भी इस योजना में लेकर के आने का काम तेजी से चल रहा है और बहुत सारे गांव में कहीं 15 घंटे बिजली है, कहीं 18 घंटे बिजली है, कहीं 21 घंटे बिजली है। जो बाकी बचे हुए गांव हैं उनमें भी 15 घंटे से ज़्यादा बिजली देने का काम सरकार ने पूरा लगभग कर लिया है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार का सहयोग आम जन का मिल रहा है, पंचायतों का मिल रहा है, क्योंकि आम जन का सहयोग भी इसमें चाहिए, बिजली की पेंडेंसी जो बिलों की है वो भी कम चाहिए और जो लाइन लॉस है वो भी कम से कम न्यूनतम चाहिए। ये सारी शर्तें धीरे धीरे विभाग की जहाँ भी जनता पूरी करती जा रही है, जिस भी गांव में, जिस भी शहर में, धीरे धीरे करके उस हर फीट को जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने की योजना में डाला जा रहा है। अधिकारियों व जनता के बीच में जो कई बार दिक्कतें आती हैं, इसके लिए बीच बीच में आयोजन होता है, लगातार ये आयोजन किए जाएं, इसके लिए भी कोई योजना है सरकार की? कई बार यहाँ डिवीजन लेवल पे भी इस प्रकार का प्रयास किया गया है कि कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ पर किया जाए, लेकिन आज बड़ा कार्यक्रम किया है। जब भी जरूरत इस प्रकार की महसूस होगी छोटे कार्यक्रम भी इस प्रकार के किए जाएंगे।